Hi, my name is Mary. Today FM plays the best music in Lambasa. Today FM rocks. My name is Thomas. I'm here in Nakasi and I like to listen to Today FM because it rocks. And my name is Milenia. Today FM rocks here in Singotoka. My name is Enrique and Today FM rocks here in Tawa. My name is Mary Jane. I love listening to Today FM here in Ba. Today FM rocks. My name is Ilai Tiambale and I love listening to Today FM. Today FM rocks here in Osur. Today's hit music on Today FM. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार. क्वीन एलिजाबेथ बैरक्स म्यूटिनी को हुए 18 इयर्स हो गए हैं और अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सोडलपा लीडर सितिमेनी रंबुका ने एफबीसी न्यूज से आम किया है कि वे नवंबर 2nd 2000 में हुए रिवोल्ट के दौरान बैरक्स में थे. 2000 से लेकर आज तक कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं था जिसे ये साबित किया जा सके कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सितिवेली रंबुका इस म्यूटिनी में शामिल थे. तब से रंबुका ने पब्लिक में इस बात को आम नहीं किया है कि क्या ये सच था या नहीं, लेकिन फाइनली कल रंबुका ने इस बात को आम किया कि वे बैरक्स में मौजूद थे जब उन्हें होम अफेयर्स ऑपरेशंस रूम द्वारा बुलाया गया था. वरेंगे बैनीवरामा ने कहा कि ये सब बकवास है और रंबुका वहां पर अपने यूनिफॉर्म में थे. फिलहाल काउंटर रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर यूनिट के अ टोटल ऑफ 42 सोल्जर्स को म्यूटिनी में शामिल रहने के लिए दोषी पाया गया था. अंबादा में कल अराउंड 70 विलेजेस में लोगों को मौका दिया गया कि वे प्री पोलिंग के तहत मत दें. कई विलेजेस जिन्होंने वोट किया ने कहा कि ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन था. अपने सिविक राइट को एक्सरसाइज करते हुए इन गाँव वालों ने सुबह उठकर फिजियन इलेक्शन ऑफिस के प्री पोलिंग टीम का इंतजार किया ताकि वे वोट कर सके. विलेज जो इंटीरियर ऑफ वूंदा में है जहां पहुंचने के लिए लोटोका से आधा घंटा ड्राइव करना पड़ता है में प्री पोलिंग के लिए 2.5 hours एलोकेट किया गया था. प्री पोलिंग डे के लिए सारे बॉक्सेस को अब पैक कर लिया गया है. लोदाला बीच स्थित फिजन इलेक्शंस ऑफिस के वेयर हाउस में आज सुबह लास्ट बैच ऑफ बैलेट बॉक्सेस को पैक किया गया. नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न डिविजन के लिए बैलेट बॉक्सेस ऑलरेडी पैक करके रेस्पेक्टिव स्टोरेज फैसिलिटीज में भेज दिया गया है. इलेक्शन सुपरवाइजर मोहम्मद सनीम ने बैलेट बॉक्सेस को वक्त पर पैक करने के लिए इलेक्शंस ऑफिशियल्स की सराहना की है. और खेलकूद के खबरों में फिजी एयरवेज फ्लाइंग फिजियंस अपने गेम प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि वे रविवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ ओपनर में अच्छा खेल दिखा सकें. कोच जॉन मैकी ने कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और सारे खिलाड़ी रेस्पेक्टिव क्लब्स के लिए खेलने के बाद कैंप में आ चुके हैं. मैकी ने कहा कि वे अपने गेम को सिंपल रखेंगे. फ्लाइंग फिजियंस के लिए 2 हफ्तों का कैंप अच्छा रहा है. फिलहाल साइड रविवार को 3:30 AM स्कॉटलैंड का सामना करेगा. ये थे आज के मुख्य समाचार. इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं. शुभ रात्रि. Hi, I'm Nazrin from Osur Rejects. I love listening to Mirchi FM. Mirchi FM is hot. Mahen, rugby town Singotoka se. Singotoka khali mirchi baje. Mirchi bahut garam hai. Main Mala Lambasa se. Main hamesha radio Mirchi sunti hu. Mirchi FM, it's hot. Hamara naam Munindra hai aur Malele Taba mein rehta hai. Aur every time I'm Mirchi FM sunta hai. It's really good. My name is Jitin Narayan. I'm from Nakasi. I love listening to Mirchi FM because Mirchi FM is hot. Mirchi FM. It's hot.